गाड़ी हो गई थी खराब खराब नहीं हुई थी फ्रेंड्स, एक्सीडेंट हो गया था बट हम बच गए। हाँ हम दोनों को यहाँ पे सोना पड़ा ही अंदर, इसने जिनी ने तो हमारी एंट्री बंद कर दी थी आज अंदर। आज इतने टायर्ड हो गए बच्चे, मैंने 2 साल में कभी इतने थके हुए बच्चे नहीं देखे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल में। तो देखते हैं, जिनी तो उठ गई है, वनी को मुझे उठाने में टाइम लग रहा है। जिनी उठ गए आप? कितना एक्साइटेड? नींद उससे ज्यादा आ रही है। सुबह सुबह 6 बजे मैंने इन्हें उठा दिया। उठो बेटू, वनु उठो उठो उठो, सोना नहीं था, स्कूल नहीं जाना। तो चलो फ्रेंड्स, मुझे आलू का परांठा भी बनाना है, तो जल्दी से मैं आलू बॉईल कर देती हूँ और आटा लगा देती हूँ। हाँ, और दीदी के लिए पनीर का सुबह सुबह ही डिमांड शुरू हो गई है इनकी। चलो चलो चलो। इसमें क्या कर रही हो तुम? बच्चों की बॉटल भर के रख रही हूँ। परांठा परांठा अभी तक स्टार्ट नहीं किया बनाना, लेट हो जाएंगे हम लोग। नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं। स्कूल ड्रेस कहाँ है? क्या चीज? धोनी टाइप नहीं है, फटाफट से। जिनी आर यू रेडी? रेडी एक्साइटेड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी बना रही है हमारे लिए परांठा। जिनी के लिए फटाफट से इतनी धोनी रेडी हो रही है, फिर मैं धोनी के लिए आलू का परांठा बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स सुबह सुबह मम्मियों की रेल बनने वाली है अच्छी खासी, तो जैसे मेरी बन रही है यहाँ पे। और ये देखो फ्रेंड्स, धोनी रेडी हो रहे हो? हाँ। और दीदी वाइट सॉक्स मेरी है ना? हाँ हाँ, ये आपकी आपकी। मुझे कंफ्यूजन हो रही है। इतने दिनों के बाद फ्रेंड्स हम स्कूल जा रहे हैं। अब तो बॉटल्स भर के रख दिए मैंने। ओके। स्कूल में एक्टिविटी के सारे सामान रख दिया? हां मैंने रख दिया आपका सारा सामान, स्कूल की एक्टिविटी का कलर्स भी रख दिए, स्केच वाली रख दी है। और जैसी खुशी इन बच्चों को कभी नहीं मिली होगी सच्ची में। 2 साल बाद स्कूल जा रहे, इतने एक्साइटेड है, जल्दी से उठ गए, जल्दी से रेडी हो गए, मजा आ गया, मजा। तो यहाँ कर रहे हैं बच्चे ब्रेकफास्ट, और मेरे हिसाब से 2 साल बीत गए होंगे, बच्चों ने इतनी सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। तो जिनी कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट जल्दी करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है। हम लोग अपना बैग पैक किया और अब मतलब हम नहाए धोए, हमने यूनिफॉर्म पहनी, इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या हो गया, ऐसा हो गया क्या हो रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। आप क्या खा रहे हो? तो जल्दी जल्दी खाओ वरना हम आज लेट हो जाएंगे। मम्मी आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। तो जिनी कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, ऐसे मम्मी के यहाँ पे बैठ के मम्मी ने मतलब बाल काट रही हैं, है ना मम्मी? सुबह सुबह तैयार कर रही हैं, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी, एकदम फ्रेश हो गई हूँ मैं, फ्रेश हो गई है। और सबसे अच्छा पार्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, इन 2 साल में जिनी और ध्वनि का सेम टाइम हो गया है, एंड जिनी की बस भी मैंने हटवा दी है, तो मैं खुद लेने जाऊंगी एंड खुद ही छोड़ने जाऊंगी। मम्मी पापा मुझे लेते थे और जिनी दीदी को नहीं लेते थे, वो तो बस से दे देते थे। हाँ क्योंकि मैं बड़ी थी, मैनेज, हाँ जिनी तो फिर भी मैनेज कर लेगी, ध्वनि कैसे मैनेज करती ना, ध्वनि बहुत छोटी थी। जल्दी जल्दी आ जाओ, मम्मी कहाँ रह गई? मम्मी कहाँ रह गई? जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मजा आ रहा है फ्रेंड्स आज तो बच्चों को स्कूल भेजने में। A few hours later. एशना आज तो मजे आ रहे होंगे, क्या कर रही हो एशना? हाँ। मजे आ रहे होंगे आज तो, बच्चे नहीं है? मेरे मजे नहीं आ रहे यार। क्यों, क्या हुआ? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, फर्स्ट डे हूँ, पता नहीं क्या कर रहे होंगे वहाँ। अरे मस्ती कर रहे होंगे? मुझे बहुत याद आ रही है यार सच्ची में बच्चों, मेरे को धोनी की जिनी बहुत याद आ रही है। अरे ना ऐसा नहीं, अभी हम उन्हें स्कूल में चलते रही है, मेरे को याद आ रही है, धोनी खाना मांगती रहती थी, मम्मा भूख लग रही है।
अरे इसना ऐसे नहीं होता ना, रोते नहीं है इसना। बताऊं तुम जैसे माँ बाप पता है कैसे होते हैं बताऊं? अगर बालकनी में 10 बच्चे खड़े हैं और उनमें से एक बच्चा तुम्हारा है तो तुम सोचोगी कि मेरा बच्चा ही गिरेगा। अगर वो बागा बीच गोवा पे स्विमिंग करने गए हैं बाकी 10 बच्चों के साथ तो तुम सोचोगी कि मेरा बच्चा ही डूबेगा। अरे तुमने क्या बेवकूफ बच्चे पैदा किए बताओ मेरे को यार, वो बात अपने बच्चों पे ट्रस्ट करो ट्रस्ट और गॉड। लेकिन 2 साल बाद गए और अरे कुछ नहीं, और गॉड से प्रे करो कि कभी कोविड ना आए और बच्चे ऐसे हंसते खेलते रहे एंजॉय करें। वो तो नहीं आए, मैं सब बच्चों के लिए प्रे करती हूं, बट एज अ मदर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। फर्स्ट टाइम गए ना तो अब बच्चों को तुम लेने ऐसे जाओगी? नहीं मैं सेट जाऊंगी, दो तीन दिन में मैं सेटल हो जाऊंगी अच्छे से ना, और बच्चे भी सेटल हो जाएंगे। तो चलें बच्चों को लेने, आपने व्लॉग में भी ले लिया बच्चे, चलें बच्चों को लेने। उतरो। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी गाड़ी हो गई थी खराब। खराब नहीं हुई थी फ्रेंड्स, एक्सीडेंट हो गया था बट हम बच गए। सारा तो, टायर वायर फट गया है एंड गाड़ी पापा ने भेज दी है और हमें रिक्शे से आना पड़ा है। तो भगवान की कृपा रही कि ये ऑटो वाले भैया हमको वहीं पे मिल गए, तो बच्चों को ज्यादा पैदल नहीं घूमना पड़ा धूप में। तो हम बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे घर के अंदर चल के। तो जिनवानी जैन आपका एक्सपीरियंस बताइए, फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल। बहुत अच्छा रहा। कितना अच्छा रहा? बहुत ज्यादा अच्छा रहा। फ्रेंड्स मिले? बहुत सारे मिले, बहुत बातें भी करी। अरे वाह, क्या क्या बातें करी? हम लोगों ने बातें की है और टीचर भी थी, टीचर भी बहुत अच्छी थी। मतलब टीचर तो होंगी स्कूल में। मतलब अच्छा ये बताओ आज पढ़ाई हुई या मस्ती हुई? मस्ती हुई। चलो अब हम ध्वनि के पास जाते हैं। चिल्लाई चिल्लू हुई थी सबसे ज्यादा। किसकी आवाज आ रही थी ध्वनि? ध्वनि जैन की सबसे ज्यादा। विघ्न ओहो सबसे ज्यादा उसकी आवाज आ रही थी। और फ्रेंड्स आपको पता है मतलब वो मेरे स्कूल में मतलब मैम उधर से पढ़ा रही और मेरी बैटरी निकल गई। अच्छा बताओ आप दोनों ने लंच कर लिया? पूरा फिनिश किया? ध्वनि ने पूरा फिनिश किया? मम्मी आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा जब हम स्कूल में थे? सच बताऊं या झूठ बताऊं? सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ। मुझे बहुत गंदा लगा। आप झूठ बताओ। झूठ लगा ही बहुत अच्छा लगा। सच में बताओ। बता दो दे, सच में मेरे को गंदा लग रहा था। मैं मिस कर रही थी, ध्वनि आएगी भूख लग रही अच्छी नहीं आई। मम्मी अभी उठा दिया, मम्मी अभी उठाना, मम्मी मम्मी। हाँ अब दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। चलो हम ध्वनि का लंच दिखाते हैं। मैंने ध्वनि को लिखा था आज आलू परांठा बनाना। ओ वाओ फिनिश कर आई है ध्वनि, वेरी गुड। क्या आपने 2 परांठे नहीं दिए? मैं वहाँ पे मुझे भूख लगी थी। बोला था मम्मा 1 परांठा रखना, जिनिश ने बोला था ना 1 परांठा रखना। अब नेक्स्ट टाइम से 2 परांठा रख दिया करूंगी। ओके आगे से परांठा ही मत रखना, बहुत ठंडा। अच्छा परांठा तो लेके ही जाना पड़ेगा, तो चले। अच्छा एक काम करो, चलो मम्मा ने दाल राइस बनाया तुम्हारे लिए। अरे यस, मुझे पता था तुम्हें कुछ अच्छा खाने को चाहिए तो मैंने दाल राइस बना दिया था। तो चले ऊपर है, फेस वॉश करो, हैंड वॉश करो, कपड़े चेंज करो, देन खाना खाओ। वेरी गुड, तो चलो 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 ऊपर चलो, दिखाओ। वाओ वेरी गुड, तो ध्वनि ने अपना बनाना भी फिनिश कर लिया है, जिनी भी बहुत टायर्ड है, अब इनको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। चलो ऊपर चलो। तो फ्रेंड्स इतनी देर सोए हैं ये बच्चे स्कूल से आने के बाद, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे। हाँ हम दोनों को यहाँ पे सोना पड़ा है अंदर, इसने जिनी ने तो हमारी एंट्री बंद कर दी थी आज अंदर। मैंने बोल दिया ये लोग इतना शोर करते हैं ना, सो रही होंगी ध्वनि मैडम फुल वॉल्यूम पे यूट्यूब देखेगी। मैंने उनको बाहर भेज दिया, बाहर जाओ। और अब जिनी की ट्यूशन का टाइम हो गया तो मैं इसको ट्यूशन ड्रॉप करने वाली हूँ। और ध्वनि हम कहाँ जाएंगे? हाँ हम लोग मॉल जाएंगे एंड ध्वनि अपनी डॉली के साथ वहाँ पे मस्ती करेगी। तुझे क्या खाना है? खाना एक फ्राइज का पैकेट। ओके फ्राइज का पैकेट लिया ना पैकेट। बर्गर नहीं लाऊं? ना मैकपॉप नहीं लाऊं? नहीं ठीक है। उनकी फ्राइज इतनी अच्छी होती है, उनकी फ्राइज खासी है। ठीक है हमने अभी से ट्राई कर लिया मम्मी और मैंने, कल लंच बॉक्स में मम्मी मेरे लिए रखेंगी बर्गर। बर्गर है जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, डन 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 डन। तो चले अब।
चलो 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 फॉलो ध्वनि, चलो फॉलो करो ध्वनि को। चल जिनी फॉलो क्या करिए, उसको फॉलो करिए तो पता नहीं क्या आवाज है। चल जल्दी से खड़ी हो जा, चल ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं ऑनलाइन करने वाली गाड़ी के साथ, बहुत सारी मस्ती चले ध्वनि। चलो मस्ती करने चलते हैं, चलो 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 ध्वनि। ध्वनि क्या कर रही है? ध्वनि क्या कर रहे हो बेटा? वाओ वेरी नाइस। ध्वनि हैप्पी, आओ अनाया चलो। हाँ जिनी दीदी को दे दोगे? बैलून ही निकल गया आपका ध्वनि। ओ वाओ दूसरा ले लो जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्वनि एंड डॉली आ गए हैं अपना अपना बर्गर लेने। ध्वनि क्या खाओगे? फ्राइज। अनाया आप क्या लोगे? फ्राइज। डॉली का नेम अनाया भी है, मैं अनाया कह रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, है ना ध्वनि? हाँ, अभी पानी भी दिलाते हैं। तो चलो मैं लेकर आई आप बच्चों के लिए। तो आ गए सब मॉल से? और हम मैं घर पे ही लेकर आई हूँ बच्चों के लिए ना, वहाँ पे जिनी भी नहीं थी, आप भी नहीं थे। तो क्या क्या लेकर आयो? तो मैं प्राइस लाई हूँ ये ले। हाँ। और वहाँ पे मेरा केले खाने का मन भी नहीं कर रहा। हाँ डॉली भी तो थी तेरी फ्रेंड। तेरी फ्रेंड डॉली मस्ती करी तो नहीं? हाँ। कितनी मस्ती करी? बहुत ज्यादा लग भी गई। लग भी गई कोई बात नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग बच्चों को लगती रहती है। ध्वनि बस तू फ्राइज खाएगी? नहीं, आलू टिक्की बर्गर भी खाएगी? नहीं। आलू टिक्की बर्गर, मैकपफ भी खाएगी? मैकपफ भी खाएगी। ये लो, एंड मैं भी मैकपफ खाऊंगी। आपका महाराजा बर्गर रखा है इसके अंदर, महाराजा बर्गर महाराजाओं के लिए। आप वो ले लेना, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करो। तो बहुत अच्छा अच्छा दिन तुम्हारा गया है आज, कैसा गया है? बहुत अच्छा। पर आज इतने टायर्ड हो गए बच्चे, मैंने 2 साल में कभी इतने थके हुए बच्चे नहीं देखे जितना आज ही थक कर आए हैं। फ्रेंड्स 2 घंटे सोए कंटिन्यू, तो मजा आया ध्वनि को? हाँ। कितना? बहुत ज्यादा। तू कितनी टायर्ड हुई? मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई, मैं 2.5 घंटे सोई हूँ। अब बोलती हूँ फ्रेंड, मैं 2.5 घंटे सोई हूँ, 2.5 आवर्स। तू तो है ही कुंभकर्ण, मेरी शक्ल से भी मुझे टायर्डनेस बिल्कुल दिख रही है। अभी स्कूल का होमवर्क भी करने आज मिला है? होमवर्क थोड़ा सा मिला है। ध्वनि की तो मस्ती है। तो चलो कोई नहीं, होमवर्क कर। रुक जाओ ध्वनि, तेरे बर्गर में टोमेटो बाहर कैसे? मैं बता रही हूँ। क्या बता रही है तू? मैं इसके होमवर्क के लिए बता रही हूँ। अरे वो छोड़, पहले टोमेटो के बारे में बताओ। टोमेटो नहीं खाती है? बर्गर में नहीं खाती, वैसे खाती है। ध्वनि ये तो गलत बात है, फ्रेंड्स क्या सीखेंगे आपसे? थोड़ा सा टेस्ट करोगे ना? पापा मैं बर्गर में नहीं खाती, मैं हमेशा हाथ में खा लेती हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज हमने माफ किया क्योंकि आपका फर्स्ट डे था स्कूल का। और दीदी तू कुछ बता रही थी? मैं ध्वनि का होमवर्क क्या बता रही हूँ, अभी ये होगा कि जब तक मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ तब तक ध्वनि तो टीवी देखे, फिर मेरे हाथ में रिमोट आ जाना चाहिए। अच्छा तो हम एक काम करेंगे इश्ना, हम इसके हाथ में रिमोट दे देंगे और टीवी के बाहर पीछे निकाल देंगे, ताकि दोनों काम हो जाएंगे हमारे। इसके हाथ में रिमोट और टीवी भी बंद, क्योंकि बेटा अब से ना आज से जल्दी सोना है क्योंकि स्कूल अब हो गए ओपन। हाँ। और वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे जाओ कि बिल्कुल आप फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो। हाँ।
ठीक है, मैं कल ध्वनि का फेवरेट बनाती बर्गर। तो फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो इसलिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे, जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।